आज हम बना रहे हैं बहुत सारे फायदे वाला करेले का अचार। ये अचार बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में, इसको बनाना बहुत आसान और ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बड़े वाले करेले लिए हैं और इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया था, और अगर आप इस तरह से इनको हाथ में पकड़ें तो बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप करेले का अचार बनाएं तो वो एकदम ड्राई होना चाहिए करेला। तो हम इनके साइड्स इस तरह से काट देंगे और बस इनको हम इस तरह से 3 से 4 पीसेस में कट कर लेंगे और इस तरह के टुकड़े कर लेंगे। तो आप चाहो तो इसको गोल भी काट सकते हो, जैसे मैं लंबा लंबा काट रही हूँ, आप चाहो तो इसको गोल भी काट सकते हो। तो मैंने इनके छिलके नहीं निकाले हैं, हम छिलके वाला ही करेले का अचार डालेंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें रहने चाहिए। तो ये देखिए मैंने सारे करेले काट लिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो काफ़ी सारा नमक डालेंगे हम इसमें, तो मैं करीब 1.5 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ उस टाइम। और इनको हमें बहुत अच्छे से मिला देना है, मतलब सारे करेलों पे नमक की बहुत बढ़िया वाली कोटिंग हो जानी चाहिए, इतना मिलाना है हमें। तो ये देखिए सारे करेलों को हमने नमक से कोट कर लिया है, हम इनको साइड में रख लेंगे। जब तक करेलों पे नमक सेट हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन। तो मैंने 5 बड़े वाले लहसुन लिए थे और उनको छील के धो के सुखा लिया था, और मैं इनको इतने बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो बस हम सारा लहसुन इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, हम इसको भी साइड में रखेंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिया है खट्टा वाला छोटा आम या अमिया जिसको कहते हैं, कच्चा आम, और इसको हम छील लेंगे। तो आधा किलो करेले के लिए एक छोटे साइज़ का कच्चा आम काफ़ी होता है, तो बस इसका छिलका हटा देंगे इस तरह से। और अब हम कच्चे आम को भी घिस लेंगे। तो अगर आपके पास कच्चा आम अवेलेबल नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, पर कच्चे आम से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस अचार में, तो कोशिश करके अगर मिल जाए आपको तो यही इस्तेमाल करें। तो ये कच्चा आम भी हमने घिस लिया है, हम इसको भी अलग रख लेंगे। करेलों को रखे हुए हमें करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से हाथ से अच्छे से निचोड़ेंगे जिससे कि इसका जो पानी है जिसमें कड़वास होती है वो निकल जाएगा। ये देखिए, तो बहुत अच्छे से निचोड़ना है इसको हाथ में इस तरह से लेके, और आप एक दूसरा थाली या फिर एक बड़ी सी प्लेट ले लें, उस पर अच्छे से फैला दें इसे। तो इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा, अचार की कड़वाहट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो पानी निकला है करेलों में, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, पर इसमें बहुत सारा नमक भी है। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और आप इसको पी भी सकते हो, थोड़ा कड़वा होता है पर बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो ये देखिए सारे करेले मैंने इस प्लेट पे फैला दिए हैं, और अब हम इस प्लेट को पंखे के नीचे रख देंगे और करीब आधे घंटे तक करेलों को हम ड्राई होने देंगे। बस बीच में आप इस तरह से इनको उलटते पलटते रहें जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सूख सके, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो करेले का अचार जो है ख़राब हो सकता है। तो इसको पंखे के नीचे रख देते हैं और जब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सौंफ या फेनल सीड्स, 3 टेबलस्पून पीली सरसों के दाने। तो अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप काली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेथी सीड्स और 1/2 टीस्पून अजवाइन। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल धीमे पे रखना है और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है जिससे कि अगर मसाले में ज़रा सा भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए और अचार हमारा लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। तो ये देखिए मसाला भुनकर बिल्कुल तैयार है। आप देखो कि सरसों जो है थोड़ी थोड़ी चटकने लगी है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हम इसको पीस लेंगे। तो पीसते समय ध्यान रखना है कि मसाले को एकदम कोर्स पीसना है और उसका एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए मसाले को मैंने पीस लिया है और आप देखें इसको मैंने कितना दरदरा रखा है, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तो मैं आज सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो अचार होता है वो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने करीब 1 कप तेल को पैन में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे कर दिया है, और तेल को हम अच्छा धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब देखें इसमें से धुआं या स्मोक आने लगी है। गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। तेल अब हल्का सा ठंडा हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब हींग, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे अचार है उसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो ये देखिए तेल हल्का गर्म था तब मैंने मसाले डाले, आप देख सकते हैं कि आपको थोड़े से बबल्स दिख रहे होंगे। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे ये करेले जो कि अब पूरी तरह से सूख चुके हैं, और इसमें अब हम डाल देंगे ये घिसा हुआ कच्चा आम, साथ में 1 टीस्पून काला नमक और सादा नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था तो इसलिए नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे मसाला जो कि हमने पीस के रखा था, और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट तरह का अचार बनके तैयार होता है। इसमें आम का खट्टापन होता है, लहसुन की बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है और करेले का टेस्ट होता है। तो बस इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है हमें इस तरह से। और इस टाइम आप क्या करें, इसमें नमक चेक कर लें, और नमक जो है ना हल्का सा तेज़ होना चाहिए क्योंकि हमने इसमें कच्चा आम यूज़ किया है, वो काफ़ी ज़्यादा नमक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, इसके लिए मैं नमक थोड़ा सा और बढ़ा रही हूँ। तो मैंने इसमें करीब 1 टेबल स्पून नमक मिला दिया है, और इसको भी हम फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है इसमें, और विश्वास करिए खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी होता है। और स्पेशली अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ हो और उसको करेला खाना हो तो आप इस फॉर्म में बना के खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगा। और इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अचार अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, बस अब हम इसमें मिलाएंगे एक लास्ट चीज़, ये है 2 टेबलस्पून सिरका या विनेगर। तो वाइट विनेगर है, आप एप्पल साइडर डाल दें, वाइट डाल दें, जो भी विनेगर आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। इससे एक तो अचार में अच्छा खट्टापन भी आएगा, और दूसरा ये विनेगर इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और अचार काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो ये अचार जो है अभी आप ऐसे ही खा सकते हो, थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगेगा, और क्योंकि हमने इसमें करेले को बॉयल नहीं किया है तो ये अचार ऐसा नहीं होगा कि करेला एकदम मुँह में जाके मेल्ट हो जाए और एकदम गल जाए। हल्का सा कच्चापन रहता है अचार में, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे करेला अपने आप ही इसमें गलता जाएगा और अचार और भी ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। इसको स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर कांच का मृतमान लिया है जिसको कि मैंने धोकर पूरी तरह से सुखा लिया है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बर्तन यूज़ करें, चम्मच यूज़ करें, वो एकदम सूखा हो, इससे अचार बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। और अचार निकालते समय आपको ध्यान रखना होगा कि एकदम ड्राई और क्लीन चम्मच से इसको निकालें, इससे अचार बहुत लंबे टाइम तक चलता है। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर इस तरह से टिश्यू पेपर लगा देंगे, और इसके ऊपर मैं रबर बैंड चला दूंगी। ये देखिए टिश्यू पेपर लगाने से इसमें क्या होता है कि हवा और धूप ऊपर से भी इसके अचार के अंदर जाती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 दिन तक धूप में रखेंगे, उसके बाद मैं आपको इस अचार को दिखाऊंगी। अचार को मैंने 3 दिन तक धूप दिखाई थी, और ये देखिए कितना मज़ेदार हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। और अगर आप इसको खाओगे ना तो इसमें वो कड़वास बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आप पता भी नहीं कर पाओगे कि करेले का अचार है। तो 3 दिन की धूप के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अचार पका कम है या फिर थोड़ी कड़वास आ रही है, तो आप क्या करो, इसको थोड़े दिन धूप और दिखा लो, और जैसे जैसे यह अचार पकता जाएगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह अचार आपको कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।